हे गाइस व्हाट्स अप वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो भाई आज हम जा रहे हैं पलवल। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आज हमारा होने वाला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम। वो इंपॉर्टेंट काम क्या है, पहले फटाफट से गाड़ी में चलते हैं क्योंकि लेट हो गए हैं। गाड़ी में चलते हैं फिर आपको चल के बताते हैं। जाने से पहले भाई दही चावल हम खा लेते हैं। हमारे दही चावल आ गए हैं ना, एक तो अंदर एनर्जी नहीं आएगी ना तो काम भी नहीं होगा, और दूसरी चीज भाई गर्मी इतनी ज्यादा है, दही खाने से अंदर थोड़ी ठंडक पड़ जाती है, तो इसलिए खानी चाहिए। हाँ जी, गाड़ी में तो हम आ गए, और आज जो हमारा जरूरी काम है ना, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम जो है, जिसके चक्कर में हमारा फार्म का सारा काम रुका हुआ था, वो है ट्रांसफार्मर लगना। वो हम पिछले भाई एक डेढ़ महीने से उसी काम में लगे हुए थे कि ट्रांसफार्मर लग जाए, बट कोई ना कोई बीच में पंगा आ ही रहा था, कि इनका ट्रांसफार्मर ना लगे। बट आज फाइनली जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो लगने जा रहा है। तभी ये सेम व्लॉग ना मैंने कुछ टाइम पहले भी बनाया था, लेकिन वो अपलोड नहीं कर रहा। वो अपलोड क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हम घर से निकल तो गए थे कि चलो आज हमारा ट्रांसफार्मर लगना है, लेकिन वहाँ जैसे पहुंचे ना तो वहाँ पे जाके हमें पता लगा कि भाई उन्होंने मना कर दिया कि आपका ट्रांसफार्मर नहीं लगेगा। तो इसलिए फिर तब मूड ऑफ हो गया था, बट कोई नहीं, आज फाइनली लग रहा है, तो हमारा जो काम है पूरा फुल फ्लैश चालू हो सकता है। भाई गर्मी इतनी पड़ रही है, एसी बंद नहीं करा मैंने। गाड़ी में आते ही ना ऐसे हो जाता है जैसे ऑमलेट बन जाता है या अंडा उबल जाता है। लेकिन भाई एक चीज है कि पापा ने ना अपनी सीट पे ये लगवा दी, स्पेशली आगे हो गया, तो पापा ने ना अपनी सीट पे ये लगवा दी, क्योंकि ना यार हमारी जो सीट है ये रैक्सीन वाली सीट है, तो इसमें क्या होता है कि जब ये गर्म होती है ना भाई बड़ी दिक्कत होती है, तो पसीने पड़े आते हैं, क्योंकि हमारी सीटें वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है, तो ये लगवाना बहुत जरूरी है। इससे ना थोड़ा एक तो मसाज भी होती रहती है ना, और नीचे से हवा भी मिलती रहती है, एक तो मतलब थोड़ा बंदा कंफर्टेबल रहता है, ज्यादा दिक्कत नहीं होती। रैक्सीन थोड़ा ज्यादा गर्म हो जाती है, ये थोड़ा गर्म नहीं होती, लकड़ है ना, लकड़ गर्म नहीं होती। वुडन बीन्स वाला जो सीट के ऊपर लगता है ना वो लगवाया हुआ है। और भाई ये जो जगह है ना, इस जगह पे आते ही मतलब ऐसी दो जगह है जहाँ पे एक तो मैं आता हूँ ना जब भी, एक तो मेरी नजरें बड़ी ज्यादा घूमती हैं, और दूसरी चीज मैं हमेशा स्लो हो जाता हूँ। ये जगह क्या है कि यहाँ पे जब मेरा फोन चोरी हुआ था, आपने व्लॉग देखा होगा, यहाँ पे ना मेरा फोन चोरी हुआ था, तो मैं ना हमेशा यहाँ पे स्लो हो जाता हूँ, नजरें ऐसे घूमते ही हाँ वो चोर फिर से दिख जाए, साला किसी और का फोन चोरी करता दिख जाए, लेकिन दिख जाए साला छोड़ूंगा नहीं। वो वाला गाना याद आता है, दिल ढूंढता है फिर कभी फुर्सत नहीं आता। मैंने नहीं सुना यार ऐसा गाना है। और जो दूसरी जगह है ना वो जगह ऐसे ही, वहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था, फर्स्ट टाइम गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद कभी एक्सीडेंट हुआ, लाइफ का फर्स्ट एक्सीडेंट हुआ था अब ये मान लो, बट उसमें गलती मेरी नहीं थी, गलती भी किसी और की थी है ना, बट वही होता था कि बड़ी गाड़ी वाला फंसता हमेशा, तो इसलिए हम फंसे थे, बट कोई चक्कर नहीं, जो हो गया अब निशानियां रह जाती है, ना एक मतलब कि होता है कि जैसे होता है ना कि हम मूवियों में देखते हैं, बॉलीवुड मूवियों में देखते हैं कि हाँ किसी आशिक की महबूबा छोड़ जाती है तो उस जगह से निकलता ना, तो उसको वो यादें बाबर दिमाग में आती हैं, तो वही चीज ना मेरे साथ होता है कि यार इस जगह से जाओ ना, तो वो यादें बाबर दिमाग में आती है। हाँ जी, फार्म पे तो हम आ गए, लेकिन हमारी शक्ल देखे ना आपको पता लग रहा होगा कि फार्म पे ना लाइट नहीं है, लाइट बाबर आ रही है जा रही है, तो उसके पसीना आ गए, तो बाहर आके बैठ गए, तो यहाँ पे हवा चल रही है ना, तो एकदम बढ़िया हो गया। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी दिक्कत होगी, दिक्कत क्या हुई है मैं आपको एक बार कैमरे को ना घुमा के दिखाता हूँ, ये देखो क्या दिक्कत होगी, इधर से आपको ढंग से दिख नहीं रहा होगा, थोड़ी सी आगे चलता हूँ और आगे चल के दिखाता हूँ एक बार ढंग से कि हुआ क्या। ये देखो भाई क्या हो गया, सारे जितनी नेट ऊपर हमने लगाई हुई थी बच गया भाई, फोन बड़े बुरी तरह गिरा है भाई, बच गया फोन को, कुछ हुआ नहीं। तो अब जो भी यहाँ पे दिक्कत हुई है ना, दिक्कत हुई कि हमने जितनी भी नेट ऊपर लगा रखी थी ना, सारी नेट उखड़ गई, उखड़ कैसे गया कि यहाँ पे भाई साहब 3-4 दिन से रोज तूफान आ रहा है, तो रोज तूफान आ रहे, तो हम क्या करते हैं कि तूफान आ रहा है तो तूफान सारी नेट को उड़ा देता है, तो हल्की सी फटती है, तो फिर जब तूफान रहता है तो हम सबको सही करते हैं, सही से दोबारा से बांधते हैं, तो फिर तूफान आता है वो फिर फाड़ देता है, तो 3-4 दिन से ना यही चल रहा है, तो जितनी भी नेट है सब फट गई है, अब इसका भी कोई ना कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। और जब तक तो ट्रांसफार्मर लगाने वाले आ रहे हैं, तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे यहाँ पर और क्या क्या काम हुआ है। तो हमने ये रूम यहाँ पे तैयार किया है, और एक्स्ट्रा रूम तैयार किया है, क्योंकि बाई चांस हम सोच रहे हैं कि अपना ऑफिस ना शिफ्ट करें, क्योंकि अगर किसी गार्ड ने रहना या किसी वर्कर ने रहना, तो उसके लिए हमेशा गेट जो है ना, मतलब गेट नहीं सॉरी रूम जो है उनका गेट के पास होना चाहिए, और ऑफिस अंदर होना चाहिए, और ऑफिस हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे इनमें दोनों में से कोई ना कोई एक रूम बनाए। और जो दूसरी चीजें हैं हमारे पीछे, एक बार आपको तो फिर दिखाता हूँ, ये देखो भाई, एक तो ये वाला बाथरूम और एक और इसके पीछे बाथरूम है, दोनों बाथरूम जो हमारे वो तैयार हो गए हैं। और जो दूसरी चीजें हमने मंगवाई स्पेशल, एक तो ये है और एक ये है, ये हमारा पैनल है जिसमें आपके बस वायर डायरेक्ट जो वायर आती है ट्रांसफार्मर से,
वो इसमें लगती है, सारे जो कनेक्शन वगैरह होता है ना, हर चीज़ का जनरेटर का वगैरह सब कुछ इसमें होता है। और जो दूसरी चीज़ ये है, ये सर्वो एक हिसाब से इसको हम कह सकते हैं कि वोल्टेज मीटर एक हिसाब से कह सकते हैं, क्योंकि बाई चांस क्या होता है ना कि अगर आपकी किसी से लाइट आती है तो वोल्टेज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है, कभी कम ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से ना जो आपकी सामान लगा हुआ, मतलब जो जैसे हमारी मोटर लगी हुई है आगे, तो वो मोटर ख़राब ना, क्योंकि ना अगर मोटर ख़राब होगी तो भाई इतनी महंगी महंगी मोटरें हैं तो खर्चा बड़ा ज़्यादा पड़ जाता है। तो एक ही बार पहले थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा कर लो ताकि जो आपका सारा सामान है ना वो सेफ रहे। भाई मुझे पता क्या लग रहा है, हमारी किस्मत ही ख़राब है, मतलब कि घंघोर वाली ख़राब है। आज थोड़ी हिंदी मेरी शुद्ध निकल रही है, पहले माशूका महबूबा अब घंघोर, क्योंकि देखो हम बैठे हैं बाहर, लाइट आ रही है जा रही है आ रही है जा रही है, बाहर हवा इतनी बढ़िया हो रही है, मौसम इतना बढ़िया हो रहा है ना, लेकिन भाई मौसम के साथ साथ बारिश भी शुरू हो गई, तो हमारा जो काम है शायद वो आज ना हो पाए, तो ना हमारी किस्मत भाई ख़राब ही है। भाई साहब बारिश देखो कितनी तेज़ हो गई और हवा भी इतनी तेज़ चल रही है कि जो हमारा ये नेट बची हुई है सारी खींची होती है, और तेज़ हवा ना सारी जो बची बिताई है वो भी सारी फटके ख़त्म हो गई। आज का ये तो कंफर्म नहीं था कि हमारा ट्रांसफार्मर लगेगा या नहीं लगेगा, तो मेरे को भूख लग रही, मैंने अपना खाना मंगा लिया है, खाना खाते हैं फिर चाहे जो मर्जी होता रहे, आज लगे ना लगे कल लगे देखी जाएगी। खाना हमने खा लिया, हमने थोड़ी बहुत एनर्जी आ गई, धूप पड़ने धूप यार आप पीछे वो देखो ना व्यू कितना अच्छा आ रहा है पीछे ना, ऐसे व्यू कितना अच्छा आ रहा है, हम कितने चमक रहे हैं, लिशकारे मार रहे हैं। भाई खाना हमने खा लिया, 6 बज गए हैं, अब देखो ट्रांसफार्मर हमारा लेके तो आ रहे हैं, अब ये कन्फर्म नहीं क्या लगेगा नहीं लगेगा, व्यू देखो ऐसे नहीं अब तक करें, हाँ क्या बात है, देखो फोन आ गया, अब देखो ट्रांसफार्मर हमारा लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि 6 बजे ना यार लेबर ने चले जाना था, तो पता नहीं वो लेके तो आ रहे हैं, शायद आज रखा जाए कल लगेगा, तो पता लगेगा जब पहले वो आ जाए फिर देखते हैं कि क्या होता है। ऐसा ये देखो ऊपर चढ़ने का तरीका, भाई फाइनली ट्रांसफार्मर हमारा लग गया है, मुबारक हो, नहीं लग गया है, मतलब कि अभी प्रॉपर नहीं लगा, अभी तारों का कनेक्शन नहीं हुआ, बस कल कनेक्शन हो जाएगा, लेकिन जो मेन काम था कि क्या कहते हैं बहू अपने घर आ गई है, बहू अपने घर आ गई है, देखो आज मेरे कल चौके चढ़ा देंगे, हाँ कल चौके चढ़ा देंगे, आज मेरी भाषा देख रहे हो कैसे हो रही है, आज भाषा एकदम अलग ही हो रही है, बट कोई चक्कर नहीं है, शुक्र है एक काम तो हमारा हो गया, चाहे मतलब तार चल कल लग जाएगी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मेन काम था ना वो हो गया। जी तो फाइनली काम शाम करके हम घर के लिए निकल चुके हैं, और टाइम हो गया 7:15, काम शाम को कहने बड़े हल चला लिए हैं, या तो करने वालों ने काम किया, तुम तो ऊपर ही खड़े रहे खाली, भाई ऊपर खड़ा होना भी वो जरूरी है, कहीं टेढ़ा मेढ़ा ना लग जाए, सारा दिन किया क्या है, लाइट आ रही है जा रही है आ रही है जा रही है, काम मेरा है, मुर्गा मंगा लिया खा लिया है, बस हो गया काम, यही काम होता है। आपने क्या किया है, हम घर के लिए निकल रहे हैं, यहाँ पे हमारी वीडियो एडिट हो रही है, वीडियो डलेगी कल, क्योंकि ना आज लेट काफी हो गया है, तो बाकी आज के इस व्लॉग को करते हैं खत्म, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट भाई लाइक शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो, सही में मैं वही चीज देखता हूँ यार, पता क्या कुछ वीडियो डालूंगा ना, एक वीडियो डालूंगा तो 1000 पार 2000 पार है, फिर उसकी अगली वीडियो डालूंगा, छोटा भाई है तुम्हारा, बूंद बूंद से सागर भरती है, जो भी देखते हैं बहुत अच्छा है, कुड़िया भी देखती है, भाई बना दो आप, कोई बात नहीं, क्या हो गया फिर, चलो कोई नहीं एक का भाई नहीं बनेगा ना, हाँ चलो कोई नहीं, इस लोग को मैं यहीं पे खत्म करता हूं, अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, बताना कि वीडियो कैसी लगी, वीडियो को शेयर करना मत भूलना, और तो चैनल को सब्सक्राइब करना, टिल देन के लिए थैंक यू, मेरे को फंबल करा दिया, चलो कोई नहीं, बाय बाय।